देखिए आप लोगों को मालूम होगा कि पिछले हफ्ता विगत हफ्ता कुछ लूट घटने हमारे यहाँ हो गई थी, तो पहले से ही SIT टीम गठन किया गया है SDPO अनुज झा के नेतृत्व में, जो कई थाना प्रभारी हैं, हमारे इंस्पेक्टर टाउन हैं, हमारे कई प्रोविजनल पदाधिकारी पीछे खड़े हैं, सर उस टीम के हैं, उसमें DIO की टीम के सिपाही सब लगे हुए थे। तो हम लोग एक चैलेंज था अनुज झा पुलिस के लिए कि घटना लगातार 2-3 हो चुका था, तो रात दिन अनुज झा पुलिस SDPO के नेतृत्व में अपना काम कर रही थी। उसी क्रम में आपको बोल दूँ, ये दो तारीख को कल आपने प्रश्न पूछा था कि एक साथ तीन घटनाएं हो गई थी, ये पहले मैं कड़ी में चौथा भी बोलूँगा अलग से ना, वो खड़ी गोपालपुर नगोछिया, ये एक गैंग कैसे कड़ी में क्राइम करता है, वो पहले पहला क्राइम करता है वो खड़ी में करता है, वो कठेला खर्चों के बीच में करता है लगभग 9 बजे, फिर वहाँ से वो निकलता है गोपालपुर में महाकाल ढाबा है मकानपुर चौक के पास, वहाँ क्राइम करता है, फिर वहाँ से निकलता है वो नगोछिया में 0 माइल पास आता है वो वहाँ क्राइम करता है, वहाँ से क्राइम करने के बाद वो वापस फिर आ रहा है मकानपुर चौक की ओर। तो SDPO साहब अपने टीम के साथ जो SIT गठित है अनुथाना प्रभारी सकते हैं, वो एरिया में मोबाइल थे, SDPO साहब को जब वो NH पर क्रॉस कर रहे थे उन्हें दिखा कि 0 माइल से जब बाइक पे 2 बाइक पे लगभग 4 लड़का बहुत तेजी से भाग रहा मकानपुर चौक की ओर, इन्होंने हमें जानकारी दिया, फिर अन्य थाना प्रभारी जो है डगरा है गोपालपुर है टाउन है सभी को अलर्ट रखा, खड़ी को अलर्ट रखा गया कि जिधर भाग रहा है आप उधर जाएं उसको ब्लॉक करने की कोशिश करें। इसी कड़ी में एक वहाँ पंप है वानीपुर पास, पंप के पास जो है वो लड़का इंटरसेप्ट किया पुलिस ने, जिसमें से कि 2 लड़का वहाँ पकड़ाया, 2 भागने में सफल हो गए, 2 लड़का पकड़ाया वहाँ पे, जो पकड़ाया उसके पास जो नाम था मैं बता रहा हूँ भवानीपुर पंप पर पकड़ा था, वो खड़ी का जो लूटा हुआ गाड़ी था पल्सर उस पर वो सवार था बाबुल शर्मा और भवेश कुमार, दोनों के पास जो बाबुल शर्मा था उसके पास लोडेड कट्टा और 4 कारतूस भी जो सामने आप सभी देख रहे हैं ना, ये सब उसी में से रखा हुआ, बाबुल शर्मा के पास से ये और ये 4 था बरामद हुआ, फिर ये भवेश कुमार है उसके पास भी लोडेड कट्टा था और अपना जो मोबाइल यूज करता है वो बरामद उसके पास, बबलू का घर बाबुल शर्मा आपका हो गया पचगछिया घर है ना, और भवेश कुमार हो गया भवानीपुर का एकदम, ये गिरफ्तार हो जाता है। इससे जब पूछताछ की गई तो ये तीनों घटना में अपना कन्फेशन स्वीकार करते हुए जो अन्य 2 भाग गए उसका भी नाम बताया, नाम था बम यादव का, उसके पहले उन्होंने कन्फेशन भी किया भवानीपुर जो रेड किया गया, भवानीपुर में भवेश के घर से जो गोपालपुर में जो गाड़ी लूटी गई थी प्लेटिना ब्लैक कलर का वो बरामद होता है, तो 2 गिरफ्तारी अब देख लिया आर्स मिला और 2 गाड़ी बरामद हुई, एक तो पेट्रोल पंप के पास बरामद हुआ, एक भवेश के घर से बरामद हुआ। फिर आगे पूछताछ करनी SIT थी लगातार पूछताछ करने में बम या जो भागा हुआ था उसकी गिरफ्तारी होती है अपने घर से, उसके पास आप ये देखिए ये लोडेड ये कट्टा 24 कहाँ से बम का गिरफ्तारी लतरा घर से, ये 24 कारतूस लोडेड था 25 उसके पास ये है बरामद होता है। फिर वो बोलता है कि पूछताछ किया गया था कि हाँ एक जो लूटी हुई गाड़ी थी हम लोग एक सोनैया भैया है दहरा गांव के पास वहाँ मिला, वो कौन सी गाड़ी थी, वो टाउन थाने जो गाड़ी लूटा हुआ था ग्लैमर वो टोल प्लाजा वाले टोल प्लाजा पास, यानी कि 3 टोल प्लाजा पास, यानी कि जो लगातार वो लूट किया जिस गैंग में 4 लोग शामिल थे इसमें से 3 की गिरफ्तारी हुई, 1 फरार है, मैं नाम शेयर नहीं कर रहा हूँ, बहुत जल्द से गिरफ्तार कर लेंगे। लूटी गई राशि के बारे में अब जो ये गोपालपुर में जो कंप्लेंट ने लिख दिया 50,300 रुपया की लूट, उसके साथ लूट क्या क्या हुआ, प्लेटिना जो कारण का गाड़ी था वो और मोबाइल ले गया, पैसा उसका लूट नहीं हुआ था, इसे किसी ने कहा कि पैसा बताओगे तो पुलिस ज़्यादा संवेदनशील होती है उसको पकड़ेगी,
तो जिसके ये बोला कि मैं पैसा ससुर जी से लाया था, तो ससुर जी बोला ना आधे बस जंतर मंतर लेके गए, कोई पैसा लेके नहीं गए। खैर मैं इसको बहुत निराश हूँ। दूसरा जो खड़ी वाले थे उन्होंने कहा कि 20,000 राशि लूटा गया। उन्होंने पूछताछ किया ना, तो जो अपराधी था वो बोला कि उसके हम लीची उससे लिए थे, गाड़ी लूटे थे और उसका मोबाइल लिए थे और 300 रुपया उसके जेब में था, तो 300 रुपया बरामद भी हुआ है, कहीं पर पैसा दिख रहा होगा, लीची वो खा चुका है और गाड़ी बरामद हुई है। ये हुआ उस दिन आपने कहा कि 4 लूट हुआ है, बात सही है, 4 हमसे हमने 3 को डिटेक्ट कर पाया। चौथा के बारे में हम लोग पास काफ़ी लीड्स आ गए, हो सकता है कि आज या कल फिर आपसे हमें रूबरू होना पड़ेगा उस केस के मामले में। वो किसका था? दो का नाम आ रहा है, ये फुट लजवाने वाले था, ठीक है, उसका ये ज्योति पंप के पास जो ग्लैमर गाड़ी थी वो लूट हुआ, स्टाफ था उसका, स्टाफ था, ठीक है। तो उस दिन हुआ जो 4 लूट थी, मैंने बताया 3 का मैंने आपको बताया कि जो रिकवरी हुआ, अच्छा रिकवरी हुआ ना, लूटी हुई गाड़ी का मिल जाना सभी, और यह है कि सभी अपराधी हथियार से लैस सभी लोडेड कट्टा लेके चलता है। तो ये आपका हुआ। चौथा जो बताया जो रंगड़ा वाला था, वो भी आज या कल आपसे फिर हम रूबरू होंगे, काफ़ी लीड्स हमें मिल गए, हम लोग बहुत जल्द जो मेरे SIT टीम है बहुत जल्द उसे भी गिरफ्तार भी कर लेगी और बरामद भी कर लेगी। आज हमें मिले आप रोहित कुमार, आप नाम जानते होंगे, रोहित मंडल नाम है, सुने होंगे, वो मालूम हुआ कि वो भी बेल पर छुटा हुआ है। और ये जो एक जो फूफा जी हैं उनका 3-4 नाम है ना, गुरुदेव मंडल, सनोज मंडल और प्रकाश के नाम से कदवा से भी जेल गया, सत्यापन करवा रहे हैं कि वही प्रकाश, पिताजी नाम और घर पता सब सब सेम मिल रहा है, हरिम कोल थमधा का पूर्णिया के। हुआ कि 0 माइल के पास सभी इकट्ठा हो रहा है फिर नया घटना करने के उद्देश्य से। तो फिर SDPO साहब को जो उनकी SIT टीम गठित थी उनको वहाँ पर लगाया गया, उसमें से वहाँ हम लोग 0 माइल के पास 3 को गिरफ्तार करते हैं। एक तो आपका हो गया रोहित मंडल, जिसके पास से धागा बना हुआ है ये कट्टा, 2 गोली बरामद हुआ, उनके पास भी एक ब्लू रंग का अपाची गाड़ी मिला है जिस पर कि गलत रजिस्ट्रेशन नंबर है। हम लोग तहकीकात कर रहे हैं चोरी गाड़ी वो है, कहाँ से हुआ घटना वो अनुसंधान का विषय वो हम लोग देख रहे हैं। उनके साथ और 2 लड़के थे, एक शंभू यादव है लक्ष्मीपुर इस्माइलपुर का और एक है मिथिलेश यादव है ना, वो भी वहीं के हैं। दोनों के पास गाड़ी मिली है, एक होंडा मोटरसाइकिल मिला है और बिना नंबर का वो मिला है। हम लोग जाँच कर रहे हैं वो गाड़ी कहाँ का क्या है, सत्यापन कर पाएंगे तो फिर आपको बता दें। मोबाइल भी बरामद हुआ है जो यूज करता है। शंभू दोनों इस्माइलपुर का है, शंभू यादव और मिथिलेश दोनों आपका लक्ष्मीपुर इस्माइलपुर का, गोसाई गाँव का ही है, अच्छा ठीक है गोसाई गाँव का, ठीक है। ये 2 मोबाइल उसके पास से मिला। गुरुदेव का आपराधिक इतिहास भी है। गुरुदेव कौन मोटरसाइकिल से था? गुरुदेव का मोटरसाइकिल बरामद हुआ है, बरामद हुआ घटनास्थल से, बताया ना कि तो 0 माइल पे 2 गाड़ी मिली, एक गाड़ी वहाँ भी बरामद हुआ है, कंचन जो पुरकदवा गांव पर था। अब जो इसका आपराधिक इतिहास देखिए, ये जो गुरुदेव मंडल सनोज मंडल है, नगोशिया में तो 2 केस हुआ ही, अभी आप जो एक मकई लूट वाला हुआ था उसमें ये वांछित था है ना, हम लोग पास वो कर रहे थे अनुसंधान उसमें था, कल जो 0 माइल पे केस था। इसके अलावा और ये 4 केस था, फलका थाना में 2 केस है, 87-19 और 462-18 क्या मामला लूट का केस है, दोनों 392 का लूट का केस है। हमारे जो इंस्पेक्टर साहब हैं वहाँ वो बात कर लेंगे कि क्या वहाँ वांछित है या वो फरार चल रहा है या फिर बेल पर है। फिर मधेपुरा का भी 2 केस है, पुरैनी थाना कांड संख्या 68/22, फिर पुरैनी का ही है 65/22। ये एक में तो विथ आर्म्स था पकड़ाया, 25-1 BH 26-35 आर्म्स पकड़ाया था, दूसरे में ये किसी पे फायर किया था, जानलेवा फायर किया था उसका, एक ये केस हिस्ट्री। रोहित कुमार के पास भी आपका जो तो गोपालपुर में है, इस्माइलपुर का है, कदवा का है, धौलजा के कई कांडों में भी ये कन्फेस किया है, उसमें लोग शामिल था जो रोहित कुमार है। शंभू यादव है रोहित का घर कदवा, ये भीमदास टोला का है, रंगड़ा का ना,
और ये शंभू यादव जो है वो एक हत्या के कांड में बेल पर छूटा हुआ है, बेल पर था। मिथिलेश यादव को अभी इतिहास तो नहीं मिला है, हम लोग उसका देख रहे हैं। किसका हत्या में छूटा है सर? ये शंभू यादव जो है आपका लक्ष्मीपुर इस्माइलपुर का, इसके बारे में बोल रहा हूँ। इसका हत्या, ये हत्या में अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, वो हत्या पुराना केस था, वो पुराना केस हत्या में बेल पर था। वो शंभू यादव, मिथिलेश, रोहित और आपका ये गुरुदेव मंडल, चार हो गया, तीन पकड़ा गए, एक जख्मी है जो भी पुलिस कस्टडी में इलाज चला, तो एक भागने में सफल हो गया, जो भागा है उसका भी कितने नाम पता का उद्भेद में जो ये गुरुदेव मंडल है, तो देखा कि पुलिस की तभी से पुलिस वहाँ हमारे अफसर सिविल में थे, कुछ वर्दी में थे, देख के भागना शुरू किया फोर लेन पे, कदवा की ओर जो फोर लेन पे भागना शुरू किया। अब जैसे जो बिसरावत पुल है देख रहे हैं, वहाँ से आगे बाएं तरफ सड़क जाता है, कंचनपुर गाँव तक जाता है, पूरा कच्ची रास्ता है। तो SDPO अपने चिल्ला के बोलते हैं कि भाई देखो, ये सिविल में थे ना, कि मैं SDPO हूँ, हमारी पुलिस की टीम है, तुम सरेंडर कर दो। कंचनपुर में वो गाड़ी छोड़ के फायरिंग करना वो शुरू कर देता है। उसके पास दो, ये आप देखा नहीं, ये जो पिस्टल है और ये जो कट्टा है, दोनों से वो फायरिंग करना शुरू किया। और जो हमने पूछताछ किया SIT की टीम से, SDPO से, SDPO पर वाकई खतरा, गंभीर खतरा उत्पन्न हो गई थी, लेकिन हमारी पुलिस टीम जो है काफ़ी प्रशिक्षित है और हिम्मत से अपना काम लिया। और दूसरी बात ये भी कि हमें अपराध खत्म करने का यह है, अपराधी को नहीं। तो फिर वो फायर हुआ, उसने फायर किया, फिर उसे पुलिस भी फायर किया अपना अपना सुरक्षा करने के लिए, अपनी जान का या जो उनके पास जो हथियार था। तो फिर वो जख्मी वो हो जाता है गुरुदेव मंडल। हम लोग त्वरित जब सो होता है फिर सत्यापन जो जांच करते हैं, तलाशी लेते हैं, तो ये आपका ये दो हथियार और ये जिंदा कारतूस, ये दो ये है ना मैगजीन है, एक तो उसमें लोड था, एक उसके पॉकेट में था, और घटनास्थल से कुछ खोखा सब भी हमारे पास है। कितना राउंड सर गोली चला था? देखिए ये लगभग 5 राउंड जो काउंट, तो हमने अपना काउंट किया, हमारे पास 5 का है ना, जो पुलिस ने फायरिंग किया, SDPO साहब और उनकी टीम में जो थे फायरिंग किया। और इनका कहना है कि लगभग 13 राउंड उसका हम लोग आवाज़ सुने, क्योंकि रुक रुक के वो फायर कर, वहाँ पर आप अभी जाएंगे तो वहाँ पर फोन भी मिला है, वहाँ पेड़ सब भी है, तो वहाँ पर वोट लेकर के वो फायर वो किया 13 राउंड का कहना, वो फायर किया दोनों हथियार से, इससे भी और इससे भी, पुलिस के साइड से नियंत्रित फायर की गई, नियंत्रित फायर की, हम उसे गिरफ्तार कर ले, 5 राउंड फायर पुलिस से की गई। उसके बाद में बता दिया कि ये जो तीन का जो परसों घटना घटी थी, 4 में से तीन का हुआ, चार में तीन का उद्भेदन जो उस दिन हुआ, 2 तारीख वाले में। तो अब ये जो कुछ हमारे था कि मई में जो घटनाएं घटी हैं, मई में बता रहे हैं जो घटनाएं घटी हैं, उसमें से हम अब तक में 4 घटनाओं का हम लोग ये अच्छा डिटेक्शन किए। मई में से हाँ बोलिए, कौन से? भवानीपुर का केस है 269/22, इसमें जो है लूटी हुई जो मोटरसाइकिल थी वो उन्होंने बरामद कर लिया है, और इसमें नाम भी आ गया है कि कौन कौन इसमें अपराधी है। भवानीपुर का ही एक केस और है, जो झपट्टा मार के जो सोने का चेन झपट्टा मारा था, तो ये सोमियल कुमार एक अपराधी है जिसकी गिरफ्तारी हुई है। उसने जो दूसरा जो भागा हुआ, इसमें गिरफ्तारी हुआ, हाँ सोमियल कुमार, इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और जो दूसरा ये कहाँ का है? कोरा गैंग का है, ये सब कोरा जुरावगंज का ही है, सोमियल यादव, सोमियल कुमार, पिता धर्मेंद्र यादव। जो दूसरा है, मैं नाम शेयर नहीं कर रहा हूँ, वो भी वहीं का है, छापामारी वहाँ की गई थी, वो वहाँ से अभी घर पर वो फरार चल रहा है। इसी प्रकार एक खड़ी का केस था 125/22, ये भी लूट का केस था। इसमें भी जो अभियुक्त हैं आपके राजीव चौधरी और प्रीतम कुमार को गिरफ्तार किया गया, और लूटी हुई मोटरसाइकिल भी बरामद हुई राजीव कुमार चौधरी के पास। इसका घर पड़ता है सोनवर्षा, राजीव चौधरी पिता स्वर्गीय रामानंद चौधरी शाकिर सोनवर्षा, गिरफ्तार इसके पास से मोटरसाइकिल, इसके पास से लूटी हुई मोटरसाइकिल मिली जो लूट हुआ था ना। और दूसरा इन कन्फ्यूजन का नाम आया था प्रीतम कुमार का, वो भी लत्तीपुर बिहपुर का है, तो वो बिहपुर का जो दूसरा 78/22 था लूट केस हुआ था, उसमें वो जेल गया था, उसे रिमांड किया गया। चौथा जो प्रीतम पहले से जेल में था, हाँ उसे रिमांड हम लोग किया, वो भी पकड़ाया है मई महीना पकड़ाया है, ठीक
तो 36-22 जिसमें कि वो मकई लदा हुआ जो ट्रक गाड़ी को ये घटना उन्होंने किया था, इसमें से हम लोग 5 तो पहले जेल भेज चुके थे, 26-5 तक भिन्न भिन्न तिथियों में जेल भेज चुके थे, और एक तो अभी आपका सनोज मंडल जो कल जख्मी हुआ गिरफ्तार हो गया, वो हो गया, वो कदवा के केस में जेल जा रहा, वहाँ से रिमांड करेंगे, एक और है राजेश जिसको हम लोग रिमांड करेंगे, एक अपराधी पुलिस पुलिस पे हमला और मतलब लूट का, दो उस पर आरोप, दो अलग अलग केस होगा वो। यस, चूंकि ये हमला करता है पुलिस पे तो एक तो केस वो होगा, ठीक है, और आज उसी में 8-7 केस उसी में होगा, दूसरा केस जो ये 0 माइल पे प्लानिंग कर रहा था अपराध करने नोगछिया में हो गए, नोगछिया में हो गया, 0 माइल पे जो अपराध करने की योजना बना रहा था, और कदवा में जो पुलिस पे हमला करता है हथियार से मिलता है वहाँ केस हो जाएगा, दो केस उसके ऊपर। तो इस तरह हम लोग ने बता रहे हैं कि मई में जो हम लोग जो 4 जो घटनाएं घटी थी उसका डिटेक्शन किया सफलतापूर्वक, और जो 2 तारीख को जो 4 घटना घटी थी 4 में से 3 का किया, चौथा जो घटना शेष रह गया, काफ़ी लीड्स मिले हैं, हम लोग बहुत जल्द उसको भी कर लें। इसको रोकेंगे, रोकने का जो उपाय है प्रिवेंटिव एक्शन है वो हम लोग करवा भी रहे हैं, जो हम लोग क्या करते हैं जो भी संपत्ति मूलक कांड है उसका हम खुद अनुसरण भी करते हैं, जो भी बेल पर छूटा हुआ है आप देखेंगे जो 2-3 अपराधी है बेल पर छूटा हुआ है, राजेश ने रोहित मंडल बेल पर छूटा हुआ है, शंभु यादव बेल पर छूटा हुआ है, ये लोग घर पर नहीं रह रहे थे, तो हम लोग तब से ही एक जो होता है पुलिस का जो सिक्स सेंस काम करता है घर पर ही क्यों नहीं रह रहा है, तो नज़र उस पर बनी हुई। इन लोगों का बैंक से भी कुछ था आपका क्या एक पैसा निकला और बैंक अभी नहीं, नहीं ये जो आप जो 3 घटनाएं आपने जो आप जान रहे हैं कि जो बैंक से पैसा ले गया उसका डिटेक्शन अभी हम नहीं कर पाए, उसका इस ग्रुप से कोई संबंध अब तक सामने नहीं आया है, उसमें दूसरे ग्रुप का संबंध उसमें आ रहा है, उसमें भी काफ़ी लीड्स मिले हैं, हम जब गिरफ्तार करेंगे जब पैसा बरामद करेंगे तो फिर हम डिटेल बताएंगे, वो भी 3 केस मेरा भी बाकी है, उसमें इसका भी ये कोई चलिता प्रकाश अब तक नहीं आया, जो पूछताछ किया है और जो बिंदु लोग जाँच करते हैं ये सब जो था आपका ये जो भी जो नहीं नहीं पूरा पूरे पूरे पूरा बात हमने नहीं किया कि आपने कहा कि कैसे रोकेंगे, तो हमने पाया कि जो बेल पर जो छूटा हुआ है हम रेगुलर पर डे प्रतिदिन उसका हम लोग अभी भी घटना करने बाद कई थाने में सभी जो छूटे थे वो सत्यापन करके लाया गया, उसके बाद नहीं भाई कोई एक्टिविटी नहीं है उसमें प्यार के हम लोग छोड़ भी दिया, जो घर से फरार पाए जा रहे हैं हम लोग कड़ी नज़र रखते हैं उसका, हम लोग हर तरह से मॉनिटर करते हैं। ये जो आपका गोपालपुर आपने फिर सही पूछा, मैं बता देता हूँ ये जो क्या कहते हैं रोहित का तो ये हमला है ही, भवेश का भी है, बाबुल शर्मा का भी है, और जो ये है बम का भी है, बम अभी चूंकि है ना ये कई केस में है ना हम शेयर कर देंगे, अभी मेरे पास इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इन लोगों का आपराधिक इतिहास है जो बेल पर छूटा हुआ था। नया गुट गोपालपुर में तैयार हो गया है, धरारा परगछिया, सुन लीजिए कोई भी नया गुट नहीं होता है, नया गुट किसी न किसी पुराने गुट के किसी एक से एसोसिएट रहता है, वो फिर वो नया क्राइम करता है, फिर चेन बन जाता है, हम लोगों को उसी चेन को तोड़ना है। इस्माइलपुर वाले से कोई उद्भेदन नहीं होगा, इस्माइलपुर तो ये सोच नहीं हुआ, मैं आपको बताया कि जो 2 तारीख को जो 4 घटनाएं हुई थी उसमें से हमने 3 किया, और जो जो 4 घटना बताया वो हमने किया है। बोले होंगे जो पकड़ा रोड में जो एक जख्मी गोली कर मार जो याद है जो पैसा लूटा था आपका, अब याद नहीं है ना लक्ष्मीपुर मवेशी था जो पशु व्यापारी सबसे सर है ना, उसमें उस टाइम में फूफा जी नाम याद आया था, उसमें फूफा जी आज तो कोई फूफा जी है जब ज्वाइन जो किए थे सर को ट्रांसफर ये जूने का मामला है, तो ये फूफा जी का नाम ये आया था, लेकिन फूफा जी कौन है हम लोग अंधेरे में थे, लेकिन हम लोग लगातार ये काम इस पर कर रहे थे, लगातार हम लोग हर जिले में इसका नया नाम है। अब देखिए अब तो अब समझ हम लोग फूफा जी जानते थे, जब फूफा जी जाने तो नाम आ गया गुरुदेव मंडल, उसका एक नाम जसमित भी है, कोई जसमित नाम से जानता है तो अपराधी है, वो अपना बचने की कोशिश करता है, हम उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। सर उस मामले में इतनी बड़ी सफलता पुलिस को एक दिन के अंदर मिली है, एनकाउंटर भी हुई है, अपराधियों के बीच में किस तरह का संदेश? बहुत सीधा, देखिए अपराध से तौबा करें, अपराध ना करें, नहीं तो फिर नौछा पुलिस सख्त सख्त जवाब देगी, और जवाब मिलना शुरू भी हो गया, सख्त जवाब देंगे।
अपराधियों का ये खुली छूट नहीं दी जा सकती है। मनोबल सर बहुत बड़ा हुआ है, पुलिस पदाधिकारी पुलिस का मनोबल हाई है, अच्छा काम कर रही है देखिए आप पुलिस टीम, अपराधी अपना काम कर रहा है हम अपना काम करेंगे और हम मजबूर करेंगे वो अपराध को छोड़ दें, उसकी जिंदगी तबाह हो जाएंगी, उसके घर वाले परेशान हो जाएंगे। फिर बैंक से जो पैसा लेके निकल जा रहा है खुलेआम से लूट हो जा रही है, इसको लेकर क्या टीम? देखिए हम लोग कोई एक केस के बारे में कोई मॉनिटरिंग नहीं करते हैं, हमारे सारी केस एक समान होता है, हम सभी केस नज़र बनाए रखते हैं, उसमें जो बैंक से पैसा ले गया लूट उस पर नज़र बनाए हुए थे, ये घटना घटी दुख उस नज़र बनाए हुए थे, और जो अन्य घटना घटी उसी में से ये कुछ का उद्भेदन हो गया है, कुछ का हमें लीड्स भी मिला है, हम कुछ में साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं, और मैंने कहा कि पहले जो रंगरा लूट है उसमें बहुत जल्द आपको दे दूंगा, और जो नगोशिया वाला जो तीन लूट हुआ है जो बैंक से पैसा लें उसमें भी बहुत हम लोग करीब है, बहुत जल्द। किस तरह से देख रहे हैं सर, बैंक से निकल रहा है पैसा, निकल जा रहा है, लूट हो जा रहा है हमारा? देखिए आपको कल मालूम होगा, आप टाउन थाने कल आए थे, कुछ लोगों ने पकड़ के लाया था, हमारे यहाँ पर सादे लिबास में हथियार बंद, सादे लिबास में हथियार बंद पुलिस पदाधिकारी पुलिसकर्मी बैंक के आसपास लगातार मंडरा रही है, नज़र बनाए हुए हैं। सर एक और था कि जो अभी मर्डर हो गया था ड्राइवर्स का, क्या इसी ने किया था मर्डर, ये श्योरली हो गया है? हाँ कन्फेशन में आया, ये टीम था उसका हत्या कर दिया। बैंक जांच के लिए किस तरह से अभियान चल रहा है? देखिए ये 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 नहीं कि तीन घटना घटी तो हमने बैंक की जांच कर, ये लगातार क्या बोले बैंक का भी संलिप्त इसमें अभी नहीं, नहीं नहीं किसी भी बैंक कर्मी का कोई संलिप्तता अभी सामने नहीं आया, आएगा तो हम लोग कार्रवाई तत्काल, हमारे कोई संलिप्तता नहीं आई है, ठीक है, और बैंक हम लोग आज नहीं, ऐसा कोई दिन नहीं है कि हम लोग बैंक जाँच नहीं करते, विदाउट फेल पर डे जाँच करते हैं, बैंक घटना हो गई है बात अलग बात है, लेकिन पुलिस जो है थाना प्रभारी है या अन्य जो मेम्बर्स हैं वो लगातार जांच करते हैं, जांच होती है, नाम का जांच होती है, तो आप बताएं सलाह दें कैसे जांच करें, नाम का जांच कैसे होता है? कई बैंक में सर गार्ड भी नहीं है, हर जगह कैमरा लगा हुआ, हर बैंक में हम गार्ड नहीं दे सकते, हम हर बैंक में बैंक को रखने का निर्देश दिया जहाँ है हमने कहीं कहीं गार्ड भी दिया है, बैंक को आगे बढ़ करके गार्ड रखे, उस पर पुलिस किस तरह की मॉनिटरिंग कर रही है? बहुत कुछ तो क्लू उसी से मिलता है जो हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, बहुत कुछ क्लू से मिलता है, और मैंने आपको एक ही वर्ड यूज किया था साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, उसी क्लू से पहचान भी हो गई है कि कौन अपराधी कौन अपराध कहा कर रहा है, बहुत जल्द देता है। सर एक और उसके लिए क्या सरकारी बंद नहीं पड़ा है, दिक्कत क्या है कि वो जो है वहाँ पे BSNL का जो टावर है काम नहीं करता है, नगोशिया जब थाने पर चले जाए तो वहाँ मेरा फोन भी काम नहीं करता है, इसे सिम सभी चालू है, लेकिन वही जब पदाधिकारी जब शेडो जोन से बाहर निकलता है तो सरकारी फोन काम करता है, उसके बावजूद मैंने पूरे मीडिया में सभी थाना प्रभारी का प्राइवेट नंबर भी दिया है और जो लैंडलाइन नंबर हमने वो भी दिया है, तो पब्लिक को उस पर भी फोन करना चाहिए, जो लैंडलाइन नंबर दिया है वो हम फिर से ग्रुप में आपको डाल रहे हैं, पहले से हम प्रेस मीडिया में दिए भी हैं, ग्रुप में डाले भी हैं, हर थाना में लैंडलाइन फोन है उस पर फोन कीजिए तो आपको ये शिकायत नहीं रहेगी, क्योंकि सरकारी फोन का कहीं बिजनेस सिम काम नहीं करता है एक्सेप्ट मेरा, मेरे आवाज़ पे काम करता है, पूरे जिले का फोन मैं रिसीव करता हूँ।